सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि जिसने गिलगित-बल्तिस्तान नहीं देखा इसने कुछ नहीं देखा। हालात बेहतर होंगे, हर शख्स को तालीम और सेहत की सहूलियात मिलेंगी। वफाक और गिलगित-बल्तिस्तान एक दूसरे से ताउन करें, मुल्क को बनाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आला गिलगित-बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा है कि अतबाद पनबिजली मनसूबा 48 महीनों में मुकम्मल होगा। 2 किलोमीटर सुरंग खोद दी जाएगी जिसको 3 साल के मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत हुंजा ने अपने वसाइल से 4 मेगावाट पनबिजली मनसूबा बनाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित-बल्तिस्तान शेख मेहदी शाह ने कहा है कि राजा जलाल को ओहदा मिलते ही हफीजुर रहमान की आगोश में पनाह नहीं लेना चाहिए था, आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। मुशीर इजलास शमसुद्दीन ने कहा है कि आर्जी मुलाजमीन को वज़ीर-ए-आला मुस्तकिल करेंगे। आर्जी मुलाजमीन को इनके मुतालिका महकमों में आसामियों की दस्तियाबी के साथ मुस्तकिल किया जाएगा।